तो फील गेम फैमिली द लास्ट ऑफ अस के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के चार एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उन चारों एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उन्हें एक बार पहले चेकआउट कर लेना। तो लास्ट एपिसोड में जोल और एली को कार मिल गई थी और जोल अपने भाई टॉमी के पास एली को लेके जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इन दोनों का हंटर्स ने एक्सीडेंट करवा दिया और हंटर्स इन दोनों को मारकर इनका सामान लूटना चाहते थे, लेकिन किसी तरह जोल हंटर्स से बच चुका है और अब इन दोनों को ना सिर्फ ज़ॉम्बी से बचना है बल्कि इसके साथ साथ हंटर्स से बचते हुए इस शहर से बाहर निकलना है। तो चलो भाई आज का गेम प्ले कंटिन्यू किया जाए और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो। अभी शुरुआत में स्टेल्थ पे ध्यान देते हैं। नहीं Wait. How many is that now? Five just this week. Hey, I'm not complaining. I bet you not. We done here? ईट फेंका। अच्छा एक जा रहा है ना। एक गया। अच्छा इन सबको मैंने लास्ट एपिसोड में मार दिया था, लेकिन मुझे लगता है सेव गेम यहीं से चालू हुआ है फिर से, यानी कि तीन चार आदमी और है आगे। चलो साइलेंटली मारने की कोशिश करते हैं, जब तक साइलेंटली कर पाएंगे। इधर ही एक, हाँ ये तो रहा, वही तो मुझे लग ही रहा था। उधर जाने में थोड़ा सा रिस्क है, अगर ये अपने आप इधर आ जाए ना। स्टेल्थ मिशन करने में यही दिक्कत है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है एक एक आदमी को मारने के लिए। हाँ देखो ये आ रहा है इधर, हाँ बहुत बढ़िया, मौत की तरफ चलते हुए आ गया। अच्छा एली के सामने अभी तक जोल ने कम से कम 100-200 आदमी को मारा है, लेकिन हर बार एली सरप्राइज होती है। नीचे और आदमी है, लेकिन यहां से आई थिंक शॉर्टकट है ऊपर जाने का। ऊपर नहीं ना गए थे हम लोग लास्ट टाइम? नहीं, लास्ट एपिसोड बस यहीं तक खेला था, ऊपर नहीं गए थे। एक मोलोटोव मैं और बना सकता हूं। बहुत देर साइलेंटली कर लिया ना, मुझे भी लग रहा है अब किसी ने भी देखा ना उसके मुंह पे डायरेक्ट मोलोटोव। अच्छा मैं आपको तब तक याद दिला दे रहा हूं जब तक कोई आदमी नहीं आ रहा है कि मिशन वही है कि जोल के भाई टॉमी के पास एली को लेके जाना है, लेकिन पहले शहर से बाहर निकलेंगे तब। शॉटगन निकाल लेनी चाहिए, अगर किसी ने देखा तो फिर तो करना ही है बूम बाम। ओहो लाश यहां पड़ी हुई है। इतना सन्नाटा क्यों है, एक आदमी नहीं नजर आ रहा है, कोई तो होना चाहिए था। मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, ज़ॉम्बीज आने वाले हैं क्या? एली थोड़ा देखते रहना, जब इतना सन्नाटा होता है ना कुछ बहुत गलत होता है मेरे साथ, शायद कोई बॉस फाइट भी हो सकती है पता नहीं। मोलोटोव की बारिश की जाए इन सबके ऊपर, पहले इन सबको एक जगह बुलाया जाए। इसके बाकी के साथ ही नहीं आ रहे, इससे अच्छे ना ज़ॉम्बीज़ थे, ये सब फेंकने पे सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो मरा, इसके दोस्त लोग नहीं आ रहे तो क्या हुआ। जब साथी जल के मर गया उसके बाद दोस्त लोग आए, क्या दोस्त है भाई। अच्छा वो गन वाला इसको कवर दे रहा, उसको बताता हूं मैं। अच्छा नीचे फ्लोर में जिनको जिंदा छोड़ दिया था ना, आई थिंक अब वो लोग ऊपर आ रहे हैं। एली बस पीछे देखते रहना, पीछे से कोई नहीं आ जाए। Keep looking. आज मेरा ना अब स्टेल्थ करने का मन नहीं कर रहा है,
अब गोली चलेगी। Over there. Behind you. कौन कोई आया? अरे रे 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 अब शॉटगन की एक गोली और पड़ी ना मेरा काम तमाम हो जाएगा। हेल्थ किट लगा लेना चाहिए, दो दो है मेरे पास। अपना जोल की हट चुकी है, अब देखो इनका क्या होता है। उसको पैर में लगी है वो गोली। अच्छा अभी भी दौड़ रहा है। खत्म। इसका साथी कहाँ है? इधर छुप के बैठा हुआ इसका साथी। एली ने पत्थर उसको फेंक के मारा था, वो अलग बातें, लगा नहीं, लेकिन गुड एली। और भी पता नहीं क्यों मुझे किसी की आवाज आई थी, और भी कोई होना चाहिए। नेक्स्ट जब मैं वेपन अपग्रेड करूंगा ना, आज ही शायद, तो याद रखना होगा कि शॉटगन का रिकॉइल कम करना है। एली एक बार सा, ओके इसके पास मोलोटोव था, मेरे ऊपर फेंक सकता था ये। जो उठाना उठा लो एली, फिर यहां से निकलेंगे। इस होटल को पार करके ना उस साइड जाना है, तो यहां से कोई रास्ता होना चाहिए। यहां तो सब कुछ ब्लॉक लग रहा है, तो अब मेरे को लगता है ना कि ऊपर ही के फ्लोर में जाना होगा, क्योंकि ऐसे भी होटल में आने के बाद ये लोग ऊपर ही के फ्लोर में जा रहे हैं। कैसा होटल है? लिफ्ट क्यों नहीं है होटल में? यही, हाँ लास्ट टाइम भी जहां आग लग रही थी वहीं पे सीढ़ी थी। ओ भाई देखो, मैंने बोला ही कि लिफ्ट क्यों नहीं, होटल में लिफ्ट मिल गई। आगे पता नहीं कैसे कैसे खतरे होंगे, तो जो भी बना सकता हूं अभी बना लेना चाहिए। बहुत टाइम से नेल बॉम्ब यूज नहीं किया है। इसके साथ साथ एक मोलोटोव, ओ भाई दो मोलोटोव हो गए मेरे पास, चलो इतना काफी है। ये लिफ्ट काम नहीं करती है, इतना तो समझ में आ गया है। Let's see where this goes. यहां पर इन्हीं हंटर्स ने सीढ़ी लगा के रखा होगा आने जाने के लिए। It's gonna be a tight fit, but... Just in case. एली को ऊपर बूस्ट करना है, ठीक है एली आ जाओ। Find me something to climb on. Here we go. There we go. अरे टूट गया भाइयो। एली डर गई थी कि कहीं जोल को कुछ हो तो नहीं गया। एली भी अब मानने लगी है जोल को। No! Stay out there. I'll make my way up to you. Don't do anything stupid. I'll try. एली नीचे आना चाह रही थी मदद करने के लिए, लेकिन जोल ने बोला कि ऊपर रहो, मैं तुम तक रास्ता बना लूंगा। और एली ने बोला है कि कुछ भी बेवकूफी वाला काम मत करना नीचे। और जोल ने बोला कि मैं ट्राई करूंगा, तो मैं भी ट्राई करूंगा कुछ। ओ भाई लाश वाश तो पूरी यहां भरी हुई। अरे ज़ॉम्बी आने वाले। अरे अरे मैं अकेला भी हो गया हूं ना, अब तो आने बनते हैं। ठीक है
इस गेट के उस तरफ जाना है, यानी कि समझ ही गए होगे पानी के रास्ते से होते हुए जाना होगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ सबनॉटिका खेलने का, यार इतना पानी के अंदर ये लोग ले जा रहे हैं ना, बहुत टाइम से मैंने सोच के रखा हुआ है। क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट में बताना मुझे। द लास्ट ऑफ अस खत्म करने के बाद सबनॉटिका स्टार्ट किया जाए क्या? ये स्पोर्स का मतलब है कि ज़ॉम्बीज यहीं कहीं आसपास हैं। ये क्या, अरे भाई साहब ज़ॉम्बी चूहे। oh, नहीं नहीं नॉर्मल चूहे थे, लेकिन इतने मोटे क्यों है भाई? कंट्रोलर को पटकना होगा लाइट ऑन करने के लिए। ये मेरी लाइट ऑफ क्यों कर रहे हैं? कुछ बहुत गंदा होने वाला है मेरे साथ। एक तो रात में मुझे खेलना ये गेम जरूरी है क्या? और अगर आप भी इस गेम को रात में देख रहे हो तो अगर आगे कुछ अचानक से डराने वाला हुआ तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। डर के मारे मैंने हेल्थ ले भी ली और एक हेल्थ किट बना भी ली है, और एक स्मोक बॉम्ब बना लेना चाहिए ताकि भागने में आसानी हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा भाई, मरना तो है ही। इतने इतना जगह है लेकिन कुछ भी सप्लाईज नहीं है यहां पर। अच्छी खासी लोकेशन बनाई थी, मुझे लगा कुछ होगा यहां पर। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी दिमाग को सन कर देती है। हाँ ये रहा रास्ता, लेकिन बहुत ही गंदा रास्ता है। दरवाजा अरे मिल तो गया, बड़ा आसान एग्जिट। माँ कसम यार, क्यों मैं मुंह खोलता हूं अपना। गंदी आवाज आ चुकी है, कंफर्म हो चुका है यहां पे गंदे लोग हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज हैं यहां पर। की कार्ड चाहिए इसको खोलने के लिए। एक्सप्लोर करना होगा, और कोई रास्ता है नहीं। ये कुछ आवाज हुआ या मुझे रात है ना, वहम भी हो सकता है। नहीं अरे ये कौन है भाई, ये क्या है, ये क्या, ये छुप के देख रहा था। कसम से बता रहा हूं मुझे ऐसा लगा, मैंने इसको देखा कि ये डोर से झांक रहा था और मैं अभी जस्ट यहां से गया था। ओ भाई अरे कुछ और गंदी आवाज आ रही है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या नए जंतु, अच्छा ये स्टॉकर्स हैं क्या? मैं नीचे गिर गया। स्टॉकर्स के बारे में आई थिंक एपिसोड 2 या 3 में पढ़ा था हमने। ये जनरेटर है लेकिन इसे पता नहीं क्या होगा, जबरदस्ती को कुछ भी चालू करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। पहले की कार्ड मेरे को खोजना है। अच्छा स्टॉकर्स के बारे में क्या पढ़ा था, कि वो अपने शिकार का पीछा करते हैं और छुप के उसको नोटिस करते हैं, और जब सही टाइम रहता है तब अटैक करते हैं, इसलिए वो डोर से झांक रहा था। उसने जाते हुए मुझे देखा तो मेरा वेट कर रहा था कि मैं वहीं से आऊंगा। ओ भाई खतरनाक चीज है यार ये तो, पीछे से अटैक करेंगे तो मैं मर जाऊंगा क्या? आवाज तो आ ही रही है, यानी कि और स्टॉकर्स होंगे, अब पता नहीं कहां से कूद के आएंगे मेरे ऊपर। आ जाओ जो भी है मनहूसो, मत बोलना कि ऊपर है, मैं ऊपर झांकूंगा अभी नहीं। ऊपर पता नहीं क्या क्या है, वॉल पे नहीं ना चिपक सकते ये लोग। अरे की कार्ड, ओ भाई फाइनली की कार्ड मिल गया है। और यहां पे कुछ है नहीं, चलो की कार्ड मिल गया अपने को। ये सिक्योरिटी डोर कार्ड है जैक नाम के आदमी का, और इस होटल का नाम द होटल ग्रैंड है। मतलब इतना देर से घूम रहे और अभी होटल का नाम पता चला। भाई मैं सच बताऊं तो डोर के पास जाने से मुझे डर लग रहा है, इससे अच्छे तो ज़ॉम्बीज थे, देखते के साथ दौड़ा तो देते थे कम से कम।
भूल जा सिम सिम। शिट। अच्छा जनरेटर अब चालू करना हो भाई, मैं समझ गया समझ गया। ठीक है जनरेटर ऑन करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन जनरेटर की आवाज से जितने भी स्टॉकर्स या जो भी हैं यहां पर सब मेरी तरफ आ नहीं जाएंगे। इस तार को फॉलो करना है भाई। एक काम करता हूं मैं, वापस जाने का रास्ता याद कर लेता हूं, क्योंकि जैसे ही जनरेटर स्टार्ट करूंगा मैं भागूंगा। अब कोई मत आना प्लीज। ये जो वायर्स है ना येलो रेड, इसको फॉलो करते रहना है वापस जाने के लिए भी, तो याद करने की जरूरत है नहीं मुझे। भागने के लिए भी मैं तैयार हूं पूरी तरह से। भागना है अब। मुझे पता था ये गंदी आवाज सुन के मैं समझ चुका हूं कि मेरा यहां रुकना अब सेफ नहीं है। चारों तरफ से आवाज आ रही है। जल्दी खोल जल्दी खोल। अरे मनहूस आ ही गया। और भी बहुत सारी गंदी गंदी आवाजें आ रही थी। So much for that. I gotta find Ellie. जान बच गई ये फिलहाल, और जोल ने बोला है कि अभी एली को ढूंढना है। ठीक है अरे ये तीर तो मैं भूल ही गया था, लास्ट एपिसोड में यूज किया है भाई। लास्ट एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया तो उसको देख लेना। तीर और धनुष बहुत काम का, एक तीर में एक आदमी मर जाता है अगर सही से लगे तो, और बॉडी की कोई भी पार्ट में लगे तभी मर आएगा एक आदमी। जॉम्बीज पे कभी तीर ट्राई नहीं किया क्योंकि लोड करने में बहुत टाइम लगता है ना, लोड करते करते तो जॉम्बीज मार देंगे। वर्क बेंच मिल गया, मां कसम ओ भाई, अपग्रेड किया जाए फाइनली। कुछ और सामान उठाना है तो उठा लो। हाँ अब अपग्रेड करते हैं। मैं जब भी कोई गेम खेलता हूं और उसमें वेपन्स या फिर कुछ भी अपग्रेड करता हूं ना तो मैं सीन को पार कर देता हूं, लेकिन आप नोटिस कर रहे होगे कि इसमें मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखो। अभी तो शॉटगन भी अपग्रेड करनी है, अभी कहां। देखिए भाई शॉटगन में अभी क्या अपग्रेड कर सकते हैं, रिकॉइल कम किया जा सकता है, रीलोड स्पीड अभी तो ठीक ही है मुझे नहीं लगता, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, चार की जगह पांच गोली एटलीस्ट रख पाऊंगा। फायर रेट इसका इंप्रूव कर सकता हूं ताकि बैक टू बैक जल्दी गोलियां चलाऊं। रिकॉइल अब कम नहीं कर सकता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रिकॉइल भी कम हो जाएगा ना तो गन एकदम परफेक्ट हो जाएगी फिलहाल के लिए। चलो ठीक है। और कुछ अपग्रेड नहीं कर सकता हूं, बढ़ा जाए आगे। Now we're talking. अभी तक फिलहाल मैं इस गेम में सबसे ज्यादा शॉटगन और मोलोटोव यूज कर रहा हूं, लेकिन आगे पता नहीं, आगे देखो शॉटगन की गोलियां कम मिलने लगी तो फिर कुछ और यूज किया जाएगा। ओहो यहां पर भी क्लिकर्स है, क्लिकर्स। अरे Finish it. I got it. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today. All right. Spread out. Make sure we didn't miss any more of these fuckers. दो आदमियों की आवाज आ रही है यहां पर।
इन पे गोलियां वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आज बहुत गोलियां चला चुका हूं, अभी फिलहाल तो नहीं। जब आसानी से मारा जा सकता है तो फिर गोलियां क्यों चलाऊं? ये गेम ने ना बिल्कुल सही दिखाया कि ज़ॉम्बीज के दुश्मन गुंडे भी हैं। ऐसा नहीं है कि गुंडे लोग को ध्यान नहीं है ज़ॉम्बीज का। इसके एक और साथी था, यहीं से आवाज आ रही थी, लेकिन अब तो इसे पूछ भी नहीं सकता इसका साथी कहां है। इसको यहां पर बुलाता हूं। आ जा, चेक कर क्या था। इसका फेस इतना सफेद क्यों हो रखा था? ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला था क्या? अच्छा, एक और भाई साहब यहां पर भी हैं। तीर तीर, अरे फाइनली आखिरकार यूज करने का टाइम आ गया है। लेकिन थोड़ा जल्द, अच्छा इसको पहले पीछे घुमाना होगा। Did you hear something? दो आदमी है। देख लिया उसने, देख लिया। तीर मारते हुए देख लिया था उसने। आखिरी है शायद। उधर देख रहा है। मैं दरवाजे से छुपा हुआ हूं। अरे हेलमेट वाले लोग ना यार। शायद सारे खत्म हो गए। अभी तक कोई होता तो आ जाना चाहिए था। आप कोई नहीं है। बहुत बड़ा इलाका है यहां पे छाटने के लिए, बहुत कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं है भाई साहब। कोई एक डंडा मिला मुझे, सिर्फ बेसबॉल बैट। इतने बड़े इलाके में एक सप्लाई नहीं है। ईंटे पत्थर का क्या करूंगा, चलो ले ही लेता हूं, डिस्ट्रैक्ट करने काम आएगा। लेकिन इससे कुछ बना थोड़ी सकता हूं। इतने इतने टेबल्स थे। वाह, जाना ऊपर है और सीढ़ी नीचे गिरी हुई है। बहुत बढ़िया। यहां पर चेक कर लेने, कुछ तो होना। कुछ नहीं भाई। हाँ एटलीस्ट चलो 5 नेल्स तो मिल गई इतने बड़े इलाके में। ये फल मिला मुझे एक्सप्लोर करने का। इससे अच्छा बिना मैं एक्सप्लोर किए खुश था भाई, सीधा सीधा जाता था। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं फिर। अरे एक आ गया। मुझे फाइट करना है इससे। गन, मेरी गन। अरे हाथ में आ जा, गन आ जा। मर जाऊंगा मैं, मरने वाला हूं। एली है ना, बचा लिया भाई एली ने। I shot the hell out of that guy, huh? Yeah, you sure did. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Well, you're glad I didn't, right? I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? थैंक यू बोलने की जगह उल्टा जोल डांट रहा है एली को। We gotta get going. ले। Lead the way. थैंक यू भी नहीं बोला। तो एली को बुरा लग रहा है कि यार एक बार थैंक्स तो बोल दो, कि या तो तुम उसको मारती या तो फिर मैं मर जाता। और जोल को इस बात का गुस्सा है कि मैंने तुम्हें बोला था कि चुपचाप से पीछे रहो, तुम आई क्यों यहां पर।
लेकिन जूल गलत, उसको थैंक यू बोलना चाहिए था। ये सप्लाईज के लालच में ना मैं हर टेबल पे जा जाके चेक कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। उस साइड भी जाने का है। Wait there, okay? Sure, Joel. गुस्सा है जोल से ली। बोली कि कहां जाऊंगी मैं, वेट ही कर सकती हूं। फिर भी यहां पे बहुत कुछ मिल गया। नहीं, यहां ना वेस्ट नहीं हुआ कम से कम। एली टेबल पे बैठ के वेट कर रही, मेरा आ रहा हूं मैं। किसका तो लैपटॉप भी रखा हुआ है यहां पर। इस गेम में सब सप्लाईज का चक्कर है बाबू भैया, क्या ना करवाए आदमी से। We need to get back out, find that bridge. Tell me where to go. I hate this crap. तो होटल की बैक साइड में आ गए हैं, यहां से निकलकर ब्रिज तक जाना है और वही ब्रिज अपने को शहर से बाहर लेके जाएगा। टॉयलेट्स के पास से मुझे सप्लाईज उठाना पड़ेगा। देख रहे हो ना क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। और कुछ नहीं है, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? नहीं। एली निकला जाए। आज मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया है, इतना मैंने पूरे 5 एपिसोड्स में मिला के एक्सप्लोर नहीं किया होगा। तो कमेंट करके आप लोग बताना कि इतना एक्सप्लोर ठीक है या फिर इससे कम करूं या फिर एकदम नहीं करूं सीधे सीधे। नहीं एकदम तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि फिर गेम में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। बहुत गोलियां दे रहे हैं ये लोग, ये साइन बिल्कुल ठीक नहीं। जब गेम सामने से गोलियां ऑफर करने लगे यानी कि कुछ खतरनाक होने वाला है। ओ बुक कुछ अपग्रेड होगा इसे क्या? ओके, तो बेसबॉल बैट को याद है अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है, उसमें कांटे लग जाते हैं बेसबॉल बैट में, लेकिन एक हिट करने के बाद वो कांटे टूट जाते हैं, तो अब 2 बारी हिट कर सकता हूं मैं कांटों से। प्लाइज मिसिंग, मेरे पास एक सीजर चाहिए अपने को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. Push. I am. Push harder. There, how's that? Let's go. जोल ने पियानो को धक्का देने के लिए एली को बुलाया तो एली अब गुस्से में ताने भी मारने लगी है कि गन पे तो तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते लेकिन धक्का मारने के लिए तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। किसी टाइम पर इस होटल में यहां पर दावतें उड़ती होंगी भाई, सब खाते पीते होंगे लोग बैठकर। किसी टाइम पर आई थिंक 20-25 साल पहले। अभी मुझे लगता है कि आधा गेम मैंने अभी तक कंप्लीट किया है या आधे से भी थोड़ा कम ही है, अभी आधा गेम और बचा हुआ है। यानी कि एक्सपेक्ट करके चलो कि 10 या 12 एपिसोड्स आएंगे इसके। तो ये आखिरी है, यहां पर चेक कर लेता हूं सप्लाईज, उसके बाद यहां से निकला जाएगा। होटल से आई थिंक बाहर निकलने ही वाले हम लोग क्योंकि वहां पर थोड़ा बाहर टाइप का सिनेरियो लग रहा है। कुछ नहीं मिला यहां पर, इतना बड़ा जगह एटलीस्ट नेल्स तो दे दिया करो।
बहुत बदमाश है गेम। I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now, you're going to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any BB rifle. Okay. Go ahead and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. Here you go. And as soon as you fire, you're going to want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. I got this. जोल जा रहा नीचे रास्ता साफ करने, एली ऊपर से कवर देगी। And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Thanks, Joel ने एक तरह से बोली दिया। ओह, बहुत सारे आदमी हैं। Yeah, as I should have known better. If you're gonna steal, you better make sure you get away with it, right? I would have done. They're all dead. They're all fucking dead. What the hell's he yapping about? Take him. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy. Some fucking tourist killed him. Kill all of them. Did you talk to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right. You heard him. Search the area. Do not let anybody through. एक साथी ने आकर इनको बताया कि कोई बाहर से आया है और हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है। और इन लोगों का जो भी बॉस है उसने सुन के ये बोला कि जितने भी आदमी अपने जगह पर खड़े रहें और किसी को आने जाने नहीं दें। चलो भाई, अब इनका हिसाब किया जाए। एली भी कवर दे ही रही है मुझे। नेल बॉम्ब मुझे इतना पसंद इसलिए है ना कि उसको फेंकने के बाद छोड़ दो, जो भी वहां पर आएगा तभी फटेगा। उसको फेंक के अब छोड़ दो, अभी नहीं फटेगा। लेकिन हाँ, मैं भी गया तो फट सकता है, तो दो धारी तलवार है। You guys spread out. गया? पता ही नहीं है ना सबको कि कहां से फेंक रहा हूं मैं। Let's keep searching. कोई आ गया, कोई मेरे पास आया क्या? यहीं से आवाज आई। जा चेक कर। एक बार मेरा कवर ब्लो हुआ ना, उसके बाद यहां से भागना मुश्किल ही है। एली तैयार रहना। Let's just call them rats. Oh, shit! जितने भी नेल बॉम्ब्स थे खत्म, मोलोटोव खत्म, और सब इधर ही आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ही है क्योंकि शॉटगन का ज्यादा रेंज है नहीं। Let's keep searching. तो अब ना कांड स्टार्ट किया जाए। एली तैयार रहना। Over here. देख लिया, मुझे तो देख ही लिया है। अंदर आ गया। ओहो हो, बहुत बढ़िया। पाइप भी देखी गया मुझे, थैंक यू भाई। एली गोली क्यों नहीं चला रही? एली हाँ, ये बात। जिसको मारा ना वो मेरे ऊपर मोलोटोव फेंक रहा था। एक आया, चारों तरफ से आ रहे हैं ये लोग। Don't lose him.
आया था मुझे मारने. एलियत ने वेट क्यों कर रही है गोली चलाने के लिए. तीन तीन आदमी एली प्लीज अभी टाइम है. हाँ वही मैं बोल ही रहा था. दो तीन को ठिकाने लगा दो एली प्लीज. बहुत अच्छा एली फुल बैकअप दे रही है. एली को मैंने बोला ही था कि पहले गन दे दो. आदमी तो आए जा रहे मतलब कम नहीं हो रहे. लेकिन इससे पहले चूहों पर गोलियां चलाई थी एली ने और अब देख लो बहुत बढ़िया एली. एक ही ऊपर कौन दौड़े जा रहा है. हालत टाइट करके रखी भाई. एली ओपी कर लो एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज. डिजर्व करती है. इसको मैं कहां खोज रहा था और ये घूम घूम कर मेरे तक आ गया है. और एक और आदमी भी आ रहा है. दोनों तरफ से घेरने की कोशिश बहुत बढ़िया. बहुत गलत जगह देख रहा है. और कोई है एली. All right, come on down. एली तो जबरदस्त निशानची निकली. एली ने ना होती मेरी वाट लग जाती बुरी तरह से. बहुत मदद की. थैंक यू एली. एली ने बहुत अच्छी गन चलाई. जोल को तारीफ करनी चाहिए इसी बात पे. About something a little more your size. हैंड गन दे दी है. It's for emergencies only. Okay. एली के साइज के हिसाब से हैंड गन दिया है. राइफल ले जाने में दिक्कत होगी और सिर्फ इमरजेंसी में यूज करना है. पर एली अब यूज करना. मैं आजादी दे रहा हूं. यूज करना. एली को आता है गन चलाना. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. You gotta respect it. This is not good. Joel, I'll be careful. Okay. जोल ने गन तो दे दी एली को लेकिन एक पापा की तरह ही सोच रहा है जोल अभी भी. इसलिए पूछा कि गन की सेफ्टी ऑन ऑफ करना आता है ना. तो एली ने बोला कि ठीक है जोल मैं समझदारी से यूज करूंगी. ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं एली के अंदर अपनी मरी हुई बेटी को देख रहा है जोल. नोटपैड. ओके ये क्या है. इन हंटर्स का नोटपैड है. ये किसी हंटर ने लिखा है कि फायरफ्लाइज की जरूरत नहीं अब हम लोगों को. और भले ही ये लड़ाई फायरफ्लाइज ने स्टार्ट की है लेकिन खून हमारा बह रहा है तो इसलिए अब फायरफ्लाइज की लीडर का ऑर्डर नहीं मानेंगे हम लोग और शहर पर राज करेंगे. और नोटपैड में जैसा लिखा है वही कर रहे हैं हंटर्स. ओ भाई ये किसको बांध के मारा है. और ये लटकी ये भी लाश ही लटकी हुई है भाई. सही जगह नहीं. यहां से निकला जाए. एली चलो यहां से. घसीट के लाया गया है यहां पर. देख रहे हो खून का निशान था ना. उस आदमी को घसीट के लाया गया है. तो हंटर्स मतलब पहले फायरफ्लाइज के लिए काम करते थे लेकिन उन्होंने फायरफ्लाइज के खिलाफ भी बगावत कर दी और अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं और शहर पर राज कर रहे हैं. ये हंटर्स की छोटी सी कहानी है. हंटर्स का लीडर कहीं जोल का भाई. ओ भाई साहब मुझे समझ में आ गया. ये शायद हो सकता है ऐसा हो कि हंटर्स का लीडर शायद जोल का भाई टॉमी है. क्योंकि टॉमी भी पहले काम करता था फायरफ्लाइज के लिए. स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड में बोला था जोल ने
कि टॉमी पहले फायरफ्लाइज के लिए काम करता था लेकिन अब एक खुद की आर्मी बना ली है। तो भाई साहब ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ओहो ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। चलो आगे चलेंगे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि कहानी में हंटर्स को लाने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। Hey, do your thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am. There. It's good thinking. शटर की चेन अटक गई थी। एली ने अच्छा दिमाग लगाया। यहां से आगे कैसे बढ़ना है लेकिन? अच्छा ये तो टूटा हुआ है, इसको खींच के लाना है कसम से। Help me open this. Here. I got it. वर्क बेंच मिल गया मेरे को। रिकॉइल कम कर सकते हैं क्या? चलो कुछ है सप्लाईज। हाँ ठीक है, तो 30 सप्लीमेंट मेरे पास आ गया। मैं कुछ अपग्रेड कर सकता हूँ। लिसन मोड डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि दूर तक सुन सकूं मैं आदमियों की आवाज या फिर ज़ॉम्बी की आवाज। All right, let's see what we got. तो धनुष का ड्रॉ स्पीड में बढ़ा सकता हूं ताकि जल्दी से तीर लोड कर ले। इसका रेंज में बढ़ा सकता हूं, चलो ये भी सही है। इतना अपग्रेड काफी है, आगे बढ़ा जाए। That should help us out. आगे जाने से पहले एक बार हैंडगन चेक कर लूं क्या, शायद उसमें कुछ अपग्रेड करने का हो। Here we go. इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं, अभी भले ही इसको यूज नहीं कर रहा हूं लेकिन आगे काम आ सकती है। चलो ठीक है, बस इतना ही कर सकते थे, अब आगे बढ़ा जाए। That'll do nicely. Oh shit, get down, get down. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food. Old pair of shoes. We got nothing. Let's go. जिनको मारा उनके पास से कुछ मिला भी नहीं हंटर्स को। तो शहर में जो भी लोग बच गए ना, जो हंटर्स की गैंग में नहीं है, उनको ये लोग खोज खोज के मार रहे हैं। Nothing we could have done. I know. It's just... Oh, man. Let's just get to that bridge. एली को बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, तो जूल समझा रहा है कि उनको नहीं बचा सकते थे हम लोग, बस ब्रिज तक अब पहुंचना है किसी तरह। Well, at least they finally killed that couple. I was sure they made it out of the city. Now we need to find the fucking मैं वेट ही कर रहा था हंटर्स का। There better have been an army in that truck. How
the fuck did they wipe out the entire crew over there? Let's keep searching. I want to wrap this up. इसका एक और साथी है यहाँ पर, और देख लिया, आ जा। पूछ रहा है मुझसे मैं कहाँ गया। हाँ जा, थोड़ा सा और करीब आ। बस दो ही आदमी थे यहाँ पर। Just try not to let your guard down. I'm just saying, it's good having you on my side. That was a compliment. Okay. Hunters पूरे डरे में कि पता नहीं कौन वन मैन आर्मी आया है जो पूरी पूरी टीम को टेक डाउन कर दे रहा है। तो ये लोग बात कर रहे थे तो डरे हुए थे, तो इस बात पे एली खुश हो रही है कि चलो एटलीस्ट हंटर्स डर तो रहे हैं हमसे। और एली तारीफ भी कर रही है जोल की कि अच्छा हुआ तुम मेरे साइड हो। वो जो एक ट्रक लेके ये लोग घूम रहे हैं ना जिसमें गन लगी हुई है, वो खतरनाक है। ये क्या मूवी लगी, डॉन ऑफ द वुल्फ पार्ट टू? पिक्चर लगी हुई थी यहां पर किसी जमाने में 20-25 साल पहले। I pray to God these tourists show their faces. They gotta show up somewhere. Maybe this will be your lucky day. Joel, there's a guy up on that second floor, right there. Yeah, I see him. Stay low. तो हंटर इन दोनों से मिलना चाह रहा है जो बात कर रहा है। ये प्रे कर रहा था कि जोल अपनी शक्ल दिखाए। चलो इसको दिखाते हैं। इधर छुप के बैठा हुआ है। एक गोली में ये मरना चाहिए। जितने लोग हैं आ जाओ। Watch my back. एली के पास भी गन है। एली पीछे से कवर देना, देखना पीछे से कोई आके मारे नहीं। एली को गन देकर ना बहुत अच्छा काम किया है। बस एली कवर देते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस पे गोली वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। You see him? He's not over here. तेरे को देखना था चेहरा जोल का। तीर का रेंज बढ़ा लिया, अब देखते हैं कितना काम आता है। कहां है लोग? और तो आवाज तो आ रही थी। ऐसे जगह पे है ना। You see him? He's not fucking here. हटना नहीं वहां से। बच गया, एक सेकेंड से बचा मनुष्य। अच्छा यहाँ पर भी एक आदमी है। ओ हो हो, बहुत बढ़िया। Cover me, I'm moving off. Ellie, cover me. All right. जब इसके पास शॉटगन की गोली थी तो ये बेसबॉल बैट लेके क्या कर रहा था, मेरा सवाल ये है। मेरे साथ साथ आ जाओ एली। एक आदमी को तो तीर से मारना बनता है।
एक आदमी तो टैंक के आसपास घूमे जा रहा है, वो टैंक काम तो नहीं करता है जहां तक मुझे लग रहा है। बहुत देर से वो आदमी बचे जा रहा है, कहां गया फिर? अच्छा एक और है, सारे लोग खत्म जहां तक मुझे लग रहा है। दर्द सहते रहो और किसी तरह जिंदा रहो, एंड्योर एंड सर्वाइव, जो कॉमिक्स में पढ़ा था, और इस गेम का पूरा मकसद ही यही है। क्योंकि जब मैंने लास्ट ऑफ अस स्टार्ट किया था, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया कि लिखा हुआ था एंड्योर एंड सर्वाइव, ये देखो, ओ भाई ट्रैप लगा के रखा हुआ है। अभी यहां से आता मरता मैं। जो भी सप्लाईज यहां से जल्दी से लेते और भागते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, आराम से एक्सप्लोर कर सकता हूं, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है। जो सामने दिख रहा है बस वहीं जाता हूं और उसके बाद फिर यहां से निकलूंगा। आजादी के लिए मौत, हंटर्स ने मारा इन आर्मी ऑफिसर्स को। Well, every battle's got a losing side. What if they had families? Everyone has a family. Best not to dwell on it. Yeah, come here, Ellie. Okay. Come on. There you go. Ellie पूछ रही थी कि इन लोगों के परिवार भी तो होंगे। तो जोल ने बोला कि सबका परिवार होता है, इसलिए इस बारे में सोचो ही मत। Almost there. बस ये ब्रिज तो सामने ही दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अभी ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। Hey, there's another one. अच्छा यहां पर भी पोस्टर लगा हुआ है डॉन ऑफ द वुल्फ का। Posters are everywhere. एली ने, मुझे नहीं लगता थिएटर में जाके कभी मूवी देखी होगी, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद ये सब तो खत्म ही हो गया था। I saw this right before the outbreak. You did? Does he totally gutter by the end? Nobody gets gutted. It's a dumb teen movie. Who dragged you to see it then? I don't know. Let's just stay focused, all right? जोल ने लगता है अपनी बेटी के साथ ये मूवी देखी थी, इसलिए नहीं बता रहा है। Let's go through the alley. Wow, it's that fucking truck. Sorry, just keep your head down. अच्छा वो ट्रक यहीं घूम रहा है जिसमें गन लगी हुई है। चलो तो ठीक है, फील गेम फैमिली आज के गेम प्ले हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोग जाने से पहले बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।